आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य हे प्रभु, आया आराधना को तेरे आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आई प्रेम वचन कर पूरी तो दिल की लगन, सुनने आई प्रेम वचन कर पूरी तो दिल की लगन। ये खुशी जो हमको मिली है बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ, यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, दुख और सुख जीवन का हिस्सा है, जीवन का अभिन्न अंग है। सुखी सुख दुखी दुख नहीं हो सकता। हमें यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते वक्त इस सत्य को पहचानने, जानने और मानने की आवश्यकता है। दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं, जैसे दाएं और बाएं होता है, उसी प्रकार दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। और इसलिए सुख के समय हमें अति उत्तेजित होना, दुख के समय नाराज निराश या कुड़कुड़ाने लगना, भुनभुनाने लगना नहीं चाहिए। दोनों को सहर्ष स्वीकारने किया का ज्ञान, बुद्धि, समझ प्रत्येक इंसान में होना चाहिए। तो आइए हम अपने दिल की जांच करके देखें कि हम दुख से भागना चाहते हैं, दुख से परेशान हो जाते हैं। सुख के समय हम अति खुश होते हैं और कल्पना करते हैं, कामना करते हैं बात ऐसी ही बनी रहे। सच्चाई से विमुख होकर जीवन जीने की प्रवृत्ति को हम प्रभु के समक्ष लाएं, सच्चाई को स्वीकारने की कृपा हम प्रभु से मांगें। उन सभी अवसरों के लिए जब दुख के समय हमने प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, बुनबुनाया, नाराज हुए, निराश हुए, हताश हुए, उन सभी अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें जिससे कि आप परमेश्वर के वचन सुना सको, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 9 से अध्याय 12 पद संख्या 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। उस समय से पहले जब मिट्टी पृथ्वी में मिल जाएगी और आत्मा ईश्वर के पास लौटेगी। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद करेंगे और जो खिड़कियों से झांकते हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज़ मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते काल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य, हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सबेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाते हैं, जिस तरह घास प्रातः काल उग कर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। अनुवाक्य, हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें, तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य, हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी
हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सके। प्रभु के मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष रहे। अनुवाक्य, हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष, अलेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी, इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में मानव जाति के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए आए। हमें अपने पापों के परिणामों से छुटकारा दिलाने, आदम के पाप के कारण स्वर्ग राज्य के वारिस हम नहीं रह गए थे। आदम के पापों का ऋण चुकाने के लिए, परमेश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां हमें बनाने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आए और इस मुक्ति कार्य के लिए प्रभु को अपना बलिदान चढ़ाना पड़ा। अपने बलिदान के फलस्वरूप प्रभु यीशु ख्रीस्त ने मानव जाति को बचाया और इसीलिए पेत्रुस हमसे कहते हैं, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण, हमारी मुक्ति सोना चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं से नहीं, मसीह के बेशकीमती मूल्यवान निष्कलंक निर्दोष रक्त के द्वारा हुआ है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में थे, उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी, उनके चमत्कारों के कारण, उनके प्रवचनों के कारण लोग बोल रहे थे, ये व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा अब तक कोई नहीं बोला है, ये व्यक्ति जो कार्य करता है वैसे कार्य अब तक हमने नहीं देखे हैं, इतिहास में ऐसे कार्य लिखे नहीं गए हैं। और लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे और लोगों के आश्चर्य के बीच प्रभु का ध्यान हमेशा इस बात पर बना रहा कि मुझे मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए मरना है, अपनी बलि मुझे चढ़ाना है। इस बात को प्रभु भलीभांति जानते थे और इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु अपना रास्ता में आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी दृश्य को, इसी घटना को या इसी बात को आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना। यीशु के कार्यों को देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते, अचंभे में, अचंभित होना स्वाभाविक था। परंतु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा यह कथन याद रखो, मानव पुत्र को मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि प्रथम बार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जब अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, तब पेत्रुस ने प्रभु को अलग ले जाकर डांटा था यीशु को, हाँ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा करके कहा था। यीशु ने पेत्रुस को भी डांटा था, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु को ऐसा होगा, प्रभु के साथ प्रभु को ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को पेत्रुस स्वीकार ना सका था। इसी प्रकार हमारे जीवन में कष्ट आए, विपत्ति आए, दुख आए, मुसीबतें आए, उसे स्वीकारना हमारे लिए संभव नहीं होता है।
मनुष्य होने के नाते हम चाहते ही चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, परेशानियां ना हो। बिना दुख के, परेशानियों के हमारा यहाँ का जीवन बीते, इसी कामना के साथ या इसी आशा आकांक्षा के साथ हम अपने जीवन के कदमों को आगे बढ़ाना, प्यारे भाइयों और बहनों, चाहते हैं। ये एक प्रकार से हकीकत से मुंह मोड़ने के बराबर है। हकीकत, वास्तविकता ऐसा नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकती। और इसलिए यहाँ का जीवन जीते वक्त हमें दुख उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। सुख के बीच हमें दुख को नहीं भूलना है, दुख के बीच में हमें यह नहीं भूलना है हमें सुख मिलेगा, मिलने वाला है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। और संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हम अपने दुखों में, कष्टों में, परेशानियों में या हमारे अत्याचारों में, मसीह के बलिदान में, दुख भोग में जो कमी रह गई है उसे हम पूरा करते हैं। हर एक विश्वासी मसीह के साथ उसके मुक्ति कार्य में सहभागी होने के लिए बुलाया गया है और हमें इस बात को नहीं भूलना है। मुझे अपना सहयोग, अपना योगदान मसीह के बलिदान में प्रदान करना है और इसलिए मेरे जीवन में दुख आवश्यक है, अनिवार्य है। इस बात को ना भूलते हुए, इस बात को अपनाते हुए, दुख में, सुख में, हर बात में हम एक सा मनोभाव अपनाने की कृपा प्रभु से मांगें। पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे, बिन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद को चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समा कर, वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं।
दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी जय 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 प्रभु जय हो तेरी पावन 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 ईश्वर पावन 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 ईश्वर पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु के द्वारा संसार को जीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पवित्र शरीर तथा रक्त द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे हर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और तुझसे कभी अलग ना हूं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहां आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ, आमीन। हे प्रभु, तूने अपना विधान इसलिए घोषित किया है कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेशों का पालन करने का दृढ़ संकल्प करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है, कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सुन लो मां।
करते हैं तेरी स्तुति, भज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति, भज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन जो भाई जहां आज करते हैं तेरी स्तुति, सुन जो भाई जहां आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू,